अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार, या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता, या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता, तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका, हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन। वंदे मातरम साथियों, साथियों अच्छी चीजें, अच्छी बातें, अच्छे काम लगातार करने के प्रयास हमें जीवन में उन्नयन लाते हैं। हमारा ये लक्ष्य, ये वीडियो की सीरीज चलाने का लक्ष्य युवाओं का अभिप्रेरण, युवा राह से भटके नहीं, युवा देश की पूंजी और देश के लिए अपना तन मन धन, अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत, अपना नमोन्मेष वो लगा दें अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए, तब हमारा लक्ष्य सफल होगा। और इसी लक्ष्य की तरफ बढ़ता हमारा यह कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में आज हम फिर से सफलता की तैयारी के चौथे वीडियो के साथ दिया साथियों। पहले हमने देखा था सफलता की तैयारी में, पहला हमारा वीडियो था जिसमें हमने बात करी थी कि काम में मजा लो, अपना काम वो चुनो जिसमें मजा हो या काम को मजा बना लो। फिर इसी सीरीज में हमने दूसरी बात करी थी कि जब भी कोई काम हम लक्ष्य ले रहे हैं तो उस लक्ष्य के लिए कैसे योजना बनानी है, कैसे तैयारियां करनी है। फिर तीसरी सीरीज में जब हम आए थे तो हमने चर्चा करी थी कि फोकस बनाना है, फोकस क्या होता है और फोकस कैसे बनाएंगे, और फोकस बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। तो हमारी तीन बातें, काम में मजा, प्लानिंग और फोकस, आज हम करेंगे चौथी बात। हमारी सफलता की तैयारी की चौथी सीढ़ी है लगातार प्रयास या लगातार प्रयत्न। हमारे प्रयत्नों में कंसिस्टेंसी हो यह आवश्यक है, तभी आपको सफलता मिलेगी। साथियों आप सभी जानते हैं, हम सभी ने बचपन से देखा है, पढ़ा है, सुना है कि जहां नदी की धार गिरती है, झरना जहां गिरता है, वहां बहुत बड़ी चट्टान जो होती है, तो चट्टान हम अपने प्रयासों से नहीं तोड़ सकते। बड़े बड़े पहलवान जिस चट्टान को नहीं तोड़ सकते, उस चट्टान को पानी की बूंदें तोड़ देती हैं, अपना उसमें एक गड्ढा बना देती हैं, छेद कर देती हैं। तो ऐसा क्यों होता है, पानी की बूंद में क्या ताकत है? तो आपको पता चलेगा कि वो ताकत, पानी की बूंद तो बहुत सारी होती है, लेकिन पानी की बूंद जब लगातार एक जगह जाती है तो वो ताकत बन जाती है। कुएं की पाट पर आपने अगर कभी देखा हो किसी ने, तो आपने देखा होगा कि कुएं के पाट पर जो पत्थर होता है, रस्सी बार बार निकलती है, तो उस पाट पर रस्सी के निकलने की जगह बन जाती हैं। उस पत्थर में भी, उस बड़ी सी चट्टान में भी रस्सी के निकलने की जगह बनकर उसमें छेद हो जाता है। रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जो व्यक्ति जड़मती का भी है, अगर वह लगातार प्रयास करेगा तो सुजान हो जाता है, ये हमारे मूर्धन्य विद्वान कह के चले गए। इन बातों को हमें सोचना होगा, समझना होगा कि आखिर लगातार प्रयासों में क्या ताकत छुपी हुई है। लगातार के प्रयास हमारी असफलता को सफलता में बदल देते हैं। लगातार के प्रयास, लगातार की मेहनत, लगातार करने वाला काम आपका सिद्ध हस्त बन जाता है, आपको सिद्धि दे देता है, और उस सिद्धि के साथ आप एक अपनी मुकाम हासिल करने में सफल हो जाते हैं। आप लोगों ने एक कहानी तो सुनी होगी, जिस कहानी में कहा जाता है कि एक राजा के दरबार में एक बहुत बड़ा सा ताला था, उसने लॉक कर दिया और राजा ने प्रतियोगिता करा दी कि भैया जो भी इस लॉक को खोलेगा उसको 50,000 असरफियाँ दी जाएंगी। बहुत सारे देश और दुनिया के बड़े बड़े तालों के जानकार आए, उनने अपना प्रयास करना शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। एक जो है उसमें जानकार थे, तालों के बड़े विख्यात थे, उन्होंने अंतिम में उन्होंने अपना प्रयास किया कि जब सब हार जाएंगे तो मैं तो उसे खोल ही लूँगा, और उन्होंने अपनी ताकत और अपने आत्मविश्वास के सहारे उस पर प्रयास करना शुरू किए, तरह तरह के प्रयास किए, नहीं सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने जो है उस पर वार करना शुरू किया, ताकत बहुत थी उनके अंदर, उस ताकत से लगातार वार करते रहे, और उन्होंने जो भी अपना प्रकल्प, जो भी अपना एक योजना बनाई थी, उस योजना के तहत लगातार उनके प्रयास हुए। 49 बार लगातार प्रयास करने के बाद उन्होंने मंच से घोषित कर दिया कि राजा साहब ये ताला टूटने लायक नहीं है, इस ताले को ना तो खोला जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है। राजा सभा में आते हैं और सभा में आके राजा ने कहा देखो
ये ताकत थी इस ताले की, और ये ताकत आप लोगों की है कि कोई भी इस ताले को ना तो खोल पा रहा है ना तो तोड़ पा रहा है। उस भीड़ में एक युवा जो कि तालों का जानकार नहीं था, बहुत ताकतवर नहीं था, वो उठता है, आता है और कहता है, राजा साहब मैं भी प्रयास करूंगा, आपने जब अंतिम विकल्प दे दिया है तो मैं तो प्रयास कर ही लेता हूँ, शायद हमारी जो है भूमि वीर विहीन होने की लज्जा से बच जाए। और वह जो है प्रयास शुरू करता है और बहुत थोड़े से प्रयासों में 8-10 बार के अटेम्प्ट में वो ताला तोड़ लेता है, क्योंकि तैयारी के 49 बार जो उस विशेषज्ञ ने किए थे, उस विशेषज्ञ के 49 बार से जो है एक बार की तैयारी, एक बार की ताकत उस ताले में बची हुई थी, और वो वार जो है करने से वो विशेषज्ञ चूक गया। तो साथियों, हमारा कौन सा प्रयास आखिरी है ये हमें पता नहीं है, इसलिए प्रयास तो हमें करते रहना होगा, हमें अपने लक्ष्य पे लगे रहना होगा। लगातार हम करेंगे प्रयास तो निश्चित तौर पर चीज़ निकल के आएगी, अवदान निकल के आएगा, निष्कर्ष निकल के आएगा, परिणाम निकल के आएगा। तो किसी प्रयास को आखिरी प्रयास हमें तब तक नहीं मानना है जब तक हमारा परिणाम हमारे सामने सुखद रूप से सामने नहीं आ जाता है। साथियों, एक और बात आती है प्रयासों की कि हम अगर हम डेस्टिनी को मानते हैं, हम मानते हैं कि कुछ निर्धारित प्रकृति ने या ईश्वर ने कर रखा है, तो वह भी हमें यह सिद्धांत ही बताता है कि हमें प्रयास करते रहना है। अगर आपकी डेस्टिनी में 50 असफलताएं हैं तो हर प्रयास आपकी एक असफलता को कम कर रहा है। जी हाँ साथियों, आपका हर प्रयास अगर सफल नहीं हो रहा तो कम से कम असफलता की जो आपकी किस्मत है, असफलता के जो काउंट आपकी किस्मत में लिख रखे हैं, उस किस्मत के असफलता के काउंट को तो कम से कम हर प्रयास एक बार में कम कर ही रहा है। यह भी बताता है कि हमें लगातार किसी भी चीज़ में, काम में, किसी भी लक्ष्य के प्रति काम करने में लगातार प्रयास करते रहना है। लगातार प्रयास करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि लगातार प्रयास करें कैसे, कैसे अपने आप को लगातार निरंतरता में उन प्रयासों की तरफ और अधिक मेहनत के साथ लगा के रखा जाए। ये बड़ा चैलेंज है साथियों, और इस चैलेंज को बहुत सारे आपने लगन जो प्रयत्नों की लगातारता है और निरंतरता है, इस पर बहुत सारी बातें आपने पढ़ी, देखी, सुनी होंगी, लेकिन आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि आखिर ये किया कैसे जाए। तो हम आज इस महत्वपूर्ण बात पर बात करेंगे कि प्रयासों की निरंतरता जारी रखने के लिए हमें करना क्या होगा। साथियों, सबसे पहली पूंजी जिसे कहा जाता है, सबसे बड़ा गुण जिसे कहा जाता है नेतृत्व का, सफलता का, हर चीज़ का गुण जब भी बात करते हैं, विनम्रता की बात करते हैं, आचार विचार की बात करते हैं, तो आता है धैर्य। धैर्यशील होना हमारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ी पूंजी माना जाता है। तो साथियों, अगर आपको प्रयासों में निरंतरता रखनी है तो आपको धैर्य रखना होगा। धैर्य का आशय है कि हम अपने मन में क्रांति ना होने दें, असफलता को क्रांति में ना बदलते दें, सफलता को हम क्रांति में बदलें, ज्ञान को विज्ञान को क्रांति में बदलें, असफलता की चोट से सफलता की तरफ जाने की वृत्ति को हम क्रांति में बदल दें, लेकिन असफलता के बाद धैर्य ना खोएं, धैर्यशील बने और धैर्य के साथ लगातार प्रयास करने के लिए अग्रसर होते रहें। अगर असफलता आपके हाथ में आती है, आपने जिम करना शुरू किया है, जिम जाना शुरू करने के बाद आपको लगता है एक महीने बाद कि कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, चेंज नहीं हो रहे हैं, आप धैर्य खो देंगे तो आपके शरीर में होने वाले जो परिवर्तन हैं, उसके जो फायदे हैं, हो सकता है अगले महीने शुरू होने वाले हैं, वो ना मिल पाएं। तो धैर्यशील होना बहुत ज़रूरी है। धैर्य का मतलब है गंभीरता से विचार करें, क्रांति ना होने दें, असफलता को नकारात्मक क्रांति में बदलने से रोकें, हलचल हमारे जीवन में असफलता से इतनी ना हो जाए कि आगे का जीवन परेशान हो जाए, इतनी हलचल हमारे मन में उद्वेलन पैदा ना हो जाए कि हमारा आगे चलना मुश्किल हो जाए। तो साथियों, धैर्यशील बनना सबसे बड़ा गुण है और यह गुण हमें धारण करना होगा प्रयत्नों की लगातारता बनाने के लिए। दूसरी बात हम करते हैं तो दूसरी बात आती है कि हर प्रयत्न जब हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कोई काम के लिए हमने फोकस किया है, प्लानिंग करी है, लक्ष्य तय किया है और उस काम को करने में मजा भी हमने शुरू कर दिया है, उसके बाद हम आगे बढ़ना शुरू कर रहे हैं, जब हम आगे चल रहे हैं तो हर पायदान पर होने वाली उपलब्धि को देखिए। एक बहुत बड़ी मिस्टेक हम लोग करते हैं जब भी ये लक्ष्य की बात आती है, काम की बात आती है, तो मिस्टेक करते हैं हम, छोटी छोटी सफलताओं को, छोटी छोटी उपलब्धियों को काउंट नहीं
नहीं कर पाते हैं। हमारा मुख्य लक्ष्य जो है उसकी सफलता को हम सफलता मानते हैं, उस लक्ष्य की सफलता के रास्ते में पड़ने वाले पड़ावों को हम सफलता नहीं मानते। साथियों, आपको 500 सीढ़ी ऊपर जाके मंदिर में दर्शन करना है तो आपको हर सीढ़ी पर एक लक्ष्य जो आपका 500 का है उसमें से एक सीढ़ी हर सीढ़ी पर हर कदम पे माइनस हो रही है कि नहीं हो रही है। आप देखेंगे तो पहली सीढ़ी चढ़ते ही आप 499 आपका काउंट हो गया, दूसरी चढ़ते ही आपका 498 हो गया, तीसरी सीढ़ी चढ़ते ही आप फटाफट सो ऑन आपका जो टारगेट है वो फीका पड़ रहा है, कमजोर हो रहा है। हर कदम के साथ आपकी बुलंदी बढ़ रही है। ये बुलंदी हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रयासों में देखना है। हमने क्या पढ़ लिया, क्या जान लिया, बिजनेस शुरू किया था तो हमारी पॉपुलैरिटी कैसे बढ़ रही है, हमारा रीच कहां तक जा रहा है, हमारा स्टार्टअप है तो स्टार्टअप के बारे में लोगों की धारणाएं क्या है। चार लोगों ने अच्छा बोला है, एक ने खराब बोला तो कोई दिक्कत नहीं, अगले दिन फिर तीन लोगों ने अच्छा बोला है। ये परिलब्धियां हमें सीख के साथ लगातार आगे बढ़ाती हैं और हमारे मन को अभिप्रेरित करती हैं कि हमें इस दिशा में काम करना है। तो मन की इच्छा होती है, मन चाहता है सफलता, मन चाहता है आपकी प्रशंसा, और सफलता और प्रशंसा आपको मिलेगी तो मन अभिप्रेरित होगा, काम के लिए आगे बढ़ेगा। और इसको बढ़ाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप उन काउंट्स को काउंट करना सीखें कि आपकी अभी यूपीएससी तो नहीं निकली है लेकिन आपने यूपीएससी के सिलेबस को क्रैक कर डाला है, आपने सिलेबस की सारी यूनिट्स को पढ़ डाला है, आप उन यूनिट्स को पढ़ने पढ़ाने में बेल बींग हो गए हैं, आप किसी भी प्रश्न को अटेम्प्ट करने की स्थिति में आ गए हैं, आपकी ऑब्जेक्टिविटी बढ़ गई है, आपकी सब्जेक्टिविटी बढ़ गई है। जब हम कदम दर कदम ये इन काउंट्स को लेंगे और अपनी परिलब्धियों को काउंट करके मन को बताएंगे कि देखो भैया ये उपलब्धियां हमने ले ली हैं, ठीक है इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अगली बार के लिए पढ़ने को बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब जो है हर टॉपिक का टॉपअप लगाने हैं, हर टॉपिक में गंभीर रेफरेंस बुक्स को जाके हमें कंसल्ट करना है, गंभीर जो है डेप्थ में जाके पढ़ाई करनी है, क्योंकि हमारी प्रारंभिक पढ़ाई सारी हो गई है, सारे हमने सिलेबस कर डाले हैं, जो और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ डाला है। तो ये सफलता के रास्ते में पड़ने वाली जो सीढ़ियां हैं, इन सीढ़ियों की परिलब्धियों को, इनकी उपलब्धियों को, इनके जो परिणाम हैं उनको मन में सफलता के रूप में भान करके, उनका ज्ञान करके आगे बढ़ने का प्रयास हमें करना होगा, तब जाके आपको जो है प्रयत्नों की जो निरंतरता है वो लगातार बनी रहेगी। साथियों, तीसरे सीढ़ी पे हम बात करें कि प्रयासों की निरंतरता कैसे बनी रह सकती है, तो आपको आपके परिवेश का सपोर्ट चाहिए होगा। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने कोई स्टार्टअप शुरू किया है, आप जो है मैनेजमेंट की तरफ जा रहे हैं, आपने कोई जॉब शुरू करी है, और उसके बाद आपका मन आपके परिवेश के कारण परेशानी में है, आपके घर में रोज आपको उसको लेके ताने माने जा रहे हैं कि वाह बड़ी तैयारी कर रहा है, खूब देखा है मैंने, कुछ नहीं कर सकता, टेंथ में सेकंड क्लास में पास हुआ था, अरे ऐसे कैसे होगा, तेरे बस का नहीं है, तू छोड़ दे, तू तो काम कर, तू तो जो है पंचर बनाना शुरू कर, ऐसी बातें अगर आपके परिवेश से आएंगी साथियों तो आपका मन हताश होगा और आप उस प्रयास को करना छोड़ देंगे। एक असफलता मिलती है एक साल में तो आपका परिवार, आपका परिवेश आपसे कहता है अरे यार मैंने पहले ही कहा था, तूने तो टाइम भी वेस्ट कर दिया, मनी भी वेस्ट कर दिया, तेरे बस का नहीं है, पढ़ाई लिखाई तेरे काम की नहीं है, तू तो छोड़। तो वो व्यक्ति जो है उसका मन कहीं ना कहीं अंदर से टूटेगा, अंदर से टूटने के बाद वह प्रयासों की निरंतरता बनाकर रखने में सफल नहीं होगा। तो इसलिए साथियों आवश्यक है कि हम अपने परिवेश को भी उसके अनुकूलता में परिनिर्माण करना शुरू करें। आपका परिवेश आपको पॉजिटिविटी दे, ये डिसाइड हमें करना होगा। आपके परिजन, आपके मित्र, आपके रिश्तेदार जो आपको इस दिशा में ले जाने में अभिप्रेरित करते हैं उनसे कम्युनिकेशन रखना होगा। ऐसे दोस्त जो आपको हताश करते हैं उनसे दूरी बनानी होगी। ऐसे रिश्तेदार जो आपको कॉम्पिटिट करते हुए जलते हैं और सोचते हैं कि इसको हताशा के गर्त में डाल दिया जाए, ऐसी बातें आपके सामने करते हैं तो कृपया करके उनसे भी दूरी बनानी होगी। जब तक हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर देते तब तक हम उनसे दूरी बना के रखेंगे। परिवार वालों को समझाएंगे कि भैया मैं प्रयास कर रहा हूँ, प्रयासों में दमदारी है और मैं लगातार करूँगा तो निश्चित तौर पर सफलता मिलने वाली है। तो आपका जब परिवेश आपको सपोर्ट करेगा तो निश्चित तौर पर आपका
लक्ष्य के प्रति प्रयासों में लगातार निरंतरता जो है बनी रह पाएगी। तो परिवेश को सपोर्टिव बनाने का एक और अच्छा तरीका है कि हम सदाचार और जो आचार विचार के जो कम्युनिकेशन मीन्स हैं उनमें अपने आप को फोकस करें। हम बड़ों के प्रति विनम्र रहें, छोटों के प्रति स्नेहवान रहें, सबसे एक विनम्रता का प्रस्तुतिकरण दें ताकि लोग पॉजिटिविटी के साथ आपको देखें। अगर आप रूढ़ होंगे, आप इगोइस्टिक दिखेंगे तो परिवेश आपका नेगेटिव आपको रिफ्लेक्शन देगा और परिवेश का नेगेटिव रिफ्लेक्शन आपको प्रयत्न की जो लगातारता है उसमें बाधा के रूप में सामने आएगा। तो साथियों, परिवेश को बनाने का काम करें, परिवेश पर फोकस करें और सोचेंगे कैसे हम अपने परिवेश को अपने इस लक्ष्य के लिए, इस काम के लिए हेल्दी बना सकते हैं, तो ये ध्यान रखना होगा। साथियों, चौथी बात आती है मनोवृत्ति का निर्माण। हमें अपनी मनोवृत्ति को उस लक्ष्य के अकॉर्डिंग जो है तैयार करना होगा। हमें तैयार करना होगा कि मैं अगर सपोज कर रहे हैं कि आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू करी है, आपने नीट की, क्लैट की तैयारी शुरू करी है, तो आपको उस मनोवृत्ति को उस दिशा में ले जाने वाला बनाना होगा। आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में आपके जो विभिन्न विचार हैं उन विचारों में, आपकी मनोरचनाओं में वो फील्ड दिखाई देना पड़ेगा। आपको अपने आप को दिखाना होगा साथियों कि आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको दिखना चिकित्सा दिखना चाहिए। नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चिकित्सक के साथ आपको अपना तारतम्य बनाना दिखना चाहिए। आपको सपनों में दिखना चाहिए कि आप चिकित्सक बन गए हैं। आपको दिखना चाहिए चिकित्सक कैसे काम करता है, चिकित्सक का एटीट्यूड क्या होता है, उसकी जो है काम करने के तरीके क्या होते हैं, उसका बिहेव क्या होता है। आपको दिखना चाहिए कि जजेस कैसे, आप क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो बड़े लॉयर्स के बिहेवियर क्या होते हैं, लॉयर्स जो है किस प्रकार से बातें करते हैं। आपको एक मनोवृत्ति अपनी बनानी होगी। मनोवृत्ति जब बन जाएगी तो आपकी जो है प्रयासों में निरंतरता बनी रहेगी। साथियों, जब मनोवृत्ति नहीं बनती है, मनोवृत्ति हमारी खेलने की है और हम प्रयास कर रहे हैं यूपीएससी की तैयारी का, तो गड़बड़ होगा और ये गड़बड़ आपको प्रयासों से बार बार वापस लेके आएगा। आप एक कदम बढ़ाएंगे, दो कदम पीछे आएंगे, फिर एक कदम बढ़ाएंगे, दो कदम पीछे आएंगे, आपका काम निरंतरता से नहीं हो पाएगा। आप जिस पत्थर पे जो है छेद करना चाह रहे हैं, पत्थर पे छेद नहीं हो पाएगा। तो मनोवृत्ति का निर्माण करना है उसके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग में हमने अपना काम शुरू किया है, लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना शुरू किया है, तो मनोवृत्ति का निर्माण करें, धारणा बनाएं, अपने मन में एक धारणा तय करें। हमारी धारणाएं जो है बड़े बड़े काम करती हैं। तो धारणा की जब हम बात करते हैं तो धारणा में एक नाम आता है मेसन साहब का, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जो धारणा कर देते थे वो हो जाता था। बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने रसिया में दिखाए और धारणा की प्रवृत्ति को, धारणा की ताकत को प्रूव किया। साथियों, हम उतनी बड़ी बातें नहीं करते, हम उतने बड़े जो प्रयास हैं, उतने बड़े जो प्रदर्शन हैं वो करना नहीं चाहते, लेकिन धारणा की ताकत को अपने मन में हमें बना के रखना है। हमारी धारणा लक्ष्य के अनुरूप बनानी है। हमें तय करना है कि लक्ष्य के अनुरूप हमारी धारणाएं कैसे बनेंगी। हमारी धारणा अगर लक्ष्य के अनुरूप बनेगी तब भी हमें प्रयासों की निरंतरता में सफलता मिलेगी, हमारी मनोवृत्ति उसके तरफ आगे बढ़ने में काम करेगी। और साथियों, आखिरी बात, अगर हमें अपने प्रयासों में निरंतरता रखनी है तो हमें जीवन में अनुशासन का पालन करना होगा। अनुशासन अगर हमारे जीवन में नहीं है तो बार बार विचलन आएंगे, बार बार आपकी जो है डिविएशन दिखाई देंगे, बार बार आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में डिप्रेशन दिखाई देंगे। आपको लगेगा नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नकारात्मकता से ग्रसित होकर आपको लगेगा लक्ष्य कोई और डिसाइड कर लेते हैं, यार यहाँ सफलता नहीं मिलेगी, एक बार असफल हो चुके हैं, पता नहीं कितने बार होना पड़ेगा, अंधकार है, अंधकार में जाने का उचित मार्ग नहीं है, हमें मार्ग बदल देना चाहिए। लेकिन अगर डिसिप्लिन आपके जीवन में, अनुशासन आपके जीवन में है, आप अनुशासित लाइफ जीते हैं, आपकी टाइमिंग्स फिक्स हैं, आप कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब पूजा पाठ करते हैं, कब पढ़ते हैं, कब क्या करते हैं, सारा कुछ फिक्स कर रखा है, आपने खाने पीने का टाइम बना रखा है, आपने व्यायाम का टाइम बना रखा है, योग प्राणायाम का टाइम बना रखा है, अपने लाइफ को पूरा व्यवस्थित कर रखा है, तो साथियों निश्चित मान के चलिए आप उस लक्ष्य की तरफ आगे जाने में, प्रयास करने में बार 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 आतुर होंगे और यह आतुरता आपको एक दिन सफलता की सीढ़ी तक ले जाके खड़ा कर देगी। तो साथियों, हमें ध्यान रखना है कि प्रयासों की निरंतरता बहुत जरूरी है। लगातार प्रयास
निरंतर प्रयास असफलता को सफलता में बदलते हैं, निरंतर प्रयास छोटी छोटी बूंदों को बड़ी बड़ी नदियों में बदल देते हैं। समुंदर का जो पानी होता है वही बूंद बूंद करके जो है बनते बनते समुंदर बन जाता है। बड़े बड़े लक्ष्य जो है छोटे छोटे प्रयासों की निरंतरता से पूरे हो जाते हैं। आप कल्पना करें, आप जो काम कर रहे हैं वो आपने एक दिन करना शुरू किया, निरंतरता आपके काम में है, और आप जब काउंट करते हैं जीवन का कि 10 साल से मैं लगातार ये पाठ करता आ रहा हूँ, ईश्वर का ये इबादत करता आ रहा हूँ, और आप जब कल्पना करते हैं तो आपके काउंट्स जब आते हैं तो पता चलता है कि 10 साल में आपने इतने हजार बार ये पाठ कर डाला है, इतने हजार बार ये पूजा ये इबादत कर डाली है। निश्चित तौर पर वो कंडेंस चीज़ जो होती है, वो जो एकत्रीकरण होता है, वो जो लगातार प्रयासों का अवदान होता है, वो बहुत बेहतर सफलता के रूप में, बहुत बेहतर परिधान के रूप में आपके सामने आता है। तो साथियों तैयार हो जाएं, सफलता की तैयारी में प्रयासों की निरंतरता को बनाने के लिए अग्रसर हों, और जो बातें आज अपन ने करी हैं इन बातों के अलावा जो भी बातें आपके मन में आती हैं आप सोच के समझ के विचार करके इनका पालन करके अपने प्रयासों की निरंतरता को शुरू करें, आप लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। जय हिंद। क्या आप अपने सपनों को करना चाहते हैं साकार? या कड़ी मेहनत के बाद भी नहीं मिल रही आपको सफलता? या फिर बेरोजगारी के तनाव में आप भटक चुके हैं अपना रास्ता? तो आप हो जाइए निश्चित, क्योंकि खबर मध्य प्रदेश लेकर आया है खास कार्यक्रम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमारे एक्सपर्ट बताएंगे जीवन में कामयाबी का मंत्र, समय का मैनेजमेंट हो या सोशल मीडिया के उपयोग का तरीका, हर मुद्दे पर एक्सपर्ट देंगे सुझाव और युवाओं का करेंगे मार्गदर्शन।